ये प्रैक्टिकल है टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ ए गिवन वायर एंड टेंशन ऑफ कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी यूजिंग सोनोमीटर एंड टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन एल स्केयर एंड टी स्केयर। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल होगा जिसमें हम ट्यूनिंग फोक केबल एक ही रखेंगे और लोड को चेंज करते जाएंगे और लोड को टेंशन में कन्वर्ट कर देंगे 9.8 यानी कि जी से मल्टीप्लाई करके और रेजोनेंस लेंथ ढूंढेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फिर मीन निकालेंगे, उस मीन का हम स्केयर कर देंगे और उसको टेंशन से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा टेबल होगा और ग्राफ प्लॉट करेंगे हम एल स्केयर और टी के बीच में। यहाँ पे आपने केवल एक ही ट्यूनिंग फोक रखना है, जो भी आपने रखना है, जैसे 426 आप सपोज कर लो ये ट्यूनिंग फोक लेते हैं, यहाँ पे आपने वैल्यू बढ़ देनी 426। लोड है 16 मीटर के साथ, जो ये एक्सटेंशन वायर है ये हमने थ्रेड लिया हुआ है, इस वायर में जो लोड है ये चेंज करते रहना है। ट्यूनिंग फोक आपने एक ही रखना है। अभी इसमें है केवल 1000 ग्राम यानी 1 केजी है, ये हम इसको 500 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 केजी। ये एक और रीडिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर से आप इस 500 और ऐड कर दो तो हो गया 2000 ग्राम या 2 केजी। तो ऐसे आपके पास ये तीन रीडिंगें बन गई, आप और लोड ऐड करके इसको ये अलग अलग रीडिंग। आपने हर बार करना क्या है, एक लोड रखना है और यहाँ पे आपने उसी ट्यूनिंग फोक की हेल्प से आपने वाइब्रेशन करके यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लेंथ को फाइंड करना है। इसके बाद आपने ग्राफ प्लॉट करना है, ये ग्राफ होगा हमारा एल स्केयर के बीच में और जो टेंशन है उसके बीच में। तो ये ग्राफ स्लेंटिंग लाइन होगा, यही हमारा रिजल्ट होगा इस एक्सपेरिमेंट का।